Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayk. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. नया साल, शमसी नया साल शुरू हो चुका है. अगरचे इस्लामी लिहाज से जिस साल को ज़्यादा अहमियत दी गई है वो कमरी साल है, चाँद का, क्योंकि जो हमारा रमज़ान, ईदैन, हज, इस सब का मदार कमरी साल पर है. लेकिन जो शमसी साल है ये भी अल्लाह का बनाया हुआ है और इसका भी एक हिसाब है. ये बात सही नहीं है कि शमसी साल का कोई हिसाब नहीं है या ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, क्योंकि सूरज भी अल्लाह ही नहीं बनाया और चाँद भी. और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, वशम्स वल क़मरु बिहुस्बान, अल्लाह ने चाँद और सूरज दोनों को एक ख़ास हिसाब के लिए बनाए. तो जिस तरह चाँद से कैलकुलेशन होती हैं बहुत से महीनों की, सूरज से भी कैलकुलेशन होती हैं, और ये कैलकुलेशन भी अल्लाह ने बनाई हैं. और अल्लाह ताला ने इसको अपनी नेमत के तौर पे बनाया कि अल्लाह की नेमत है कि चाँद निकलता है, सूरज निकलता है. लिहाजा ये जो शमसी साल पूरा होता है ये भी अल्लाह ताला की नेमत है. एक चाँद की गर्दिश से पूरा होता है, दूसरा ज़मीन की गर्दिश से, कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करती है. लेकिन जो नया साल पूरा हो रहा है इसमें हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं. रात को आप सबने सुना होगा, देखा होगा कि लोग फायरिंग करते रहे, पटाखे फाड़ते रहे, खुशियां मनाते रहे. तो क्या नया साल वाकई खुशी मनाने की चीज़ है, सेलिब्रेट करने की चीज़ है, उछल कूद करने की चीज़ है? नादान ये कह रहे हैं कि नया साल मुबारक, तो क्या ये वाकई मुबारकबाद देने की चीज़ है? अगर तो हमने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत तीर मारा है, बहुत कमाल के काम किए हैं, अल्लाह को राज़ी किया है, अपनी मकसद दुनिया को पूरा किया है और गुनाहों को छोड़ा है, लोगों की मखलूक की खिदमत की है, अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाया है, आखिरत के लिए बहुत सारा सरमाया जमा किया है, फिर तो खुशी मना भी सकते हैं. और ख़ुशी मनाने का ये तरीका नहीं होता जो मनाया गया है, बल्कि इस्लाम में फ़लसफ़ा ये है कि जब अल्लाह ताला खुशी जब मनाई जाती है तो इबादत मजीद की जाती है. हम छोटी ईद पे खुशी मनाते हैं ना, तो उस खुशी में हम क्या करते हैं, नाचते हैं, भंगड़ा डालते हैं? नहीं, मज़ीद एक नमाज और इजाफा हो जाता है. कि खुशी का तकाजा ये है कि अब शुक्र करो, अल्लाह के आगे शुक्र में और झुक जाओ. जब लोग हज करते हैं तो खुशी में हम बकरीद मनाते हैं, यानी इबादत बढ़ जाती है, एक लायबिलिटी बढ़ जाती है. जानवर को ख़रीद के ज़िबा किया जाता है अल्लाह के रास्ते में, कि भाई अच्छे आमाल हो गए, अब शुक्र के लिए मज़ीद नेक काम करो कि अल्लाह ताला कबूल फरमा लें. हाजी मुफरिद और मुतमत्ते हमारे अक्सर जो जाते हैं हाजी, वो उम्रा और हज जमा करते हैं, तो ये नेमत मिल जाती है कि एक ही सफ़र में उम्रा और हज मिल गया, तो उस पर मज़ीद एक कुर्बानी इजाफा हो जाती है कि चूंकि अल्लाह ताला ने इतनी नेमत दे दी, उम्रा और हज मिल गया, अब ये नहीं कि बाकी गुनाह माफ़ हो, बाकी काम माफ़ हो गए, नहीं, एक शुक्र और, एक नेमत और. तो इस्लाम का मिजाज तो ये है कि अगर कोई अच्छा काम किया भी है और कोई सेलिब्रेशन का मौका भी है, तो सेलिब्रेशन का तरीका भंगड़े डालना, फायरिंग करना, बतियां लगाना, ये होता नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के हुजूर झुक जाना, दो नफल और पढ़ जाना. अब हम में से कितने लोगों ने कल दो नफल पढ़े इस नियत से
कि अल्लाह पिछले साल में जो गफलत हो गई अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह आइंदा साल को हमारा एक नई ज़िंदगी बना दे। अब नहीं पढ़े तो भी आज जाके पढ़ लें, हम अभी जुमे के बाद पढ़ लें कि अल्लाह जी पिछले सालों में जो गुनाह हुए, हक तलफियाँ हुई, गीबत हुई, चोरी हुई, बदनिगाही हुई और हसद हुआ, बुग्ज़ हुआ, किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी, किसी का हक दबाया, किसी को तंग किया और नमाज़ें छोड़ी, रोज़े छोड़े, नमाज़ों में कोताही की, जमात की नमाज़ छोड़ी, तो अल्लाह उसको माफ़ कर दे। और आइंदा साल अल्लाह जी हम ये नया आज़म करते हैं कि इस नए साल को नेक आमाल से भरेंगे, हम नेक लोगों की सोहबत उठाएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे, दरगुजर करेंगे, लोगों का भला सोचेंगे, कुर्बानी का मामला करेंगे, सजदों में इजाफ़ा करेंगे, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। लंबे सजदे, अल्लाह के आगे झुकना, तिलावत कुरान की, अगर कुरान को हमने छोड़े रखा, हफ्तों हफ्तों गुजर गए खोल के ही नहीं देखा, तो अल्लाह वैसा नहीं होगा। रोज़ाना कुछ ना कुछ तिलावत ज़रूर करेंगे, जिक्र कुछ ना कुछ करेंगे, ये नए साल का अहद है। वो लोग क्या कहते हैं कि मैं नए साल में, एक कोई लफ्ज़ है कि मैं ये इस नए साल में कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, तो नहीं कोई एक लफ्ज़ कहा जाता है, तो हमारे यहाँ इसको अहद कहते हैं, अल्लाह से मुआहदा, कि इंसान रोज़ सुबह अल्लाह से मुआहदा करे, अल्लाह जी आज का जो दिन शुरू हो रहा है, असबहना व असबहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये दुआ है जो मस्नून सुबह को पढ़ी जाती है। अल्लाह मैंने सुबह की और सारी ममलकत ने आपके दम से सुबह की है, और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरा हाज़ल यौम, ये रोज़ सुबह की दुआ है जो रसूलल्लाह पढ़ा करते थे। अल्लाह करे मस्नून दुआएँ हमें याद हो जाएँ। अल्लाह मैं आज से आप इस दिन की खैर मांगता हूँ, फतह मांगता हूँ, नुसरत मांगता हूँ अपने कारोबार में, अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह मुझे नुसरतें अता फ़रमाई, फ़तह अता फ़रमाई, कामयाबियाँ अता फ़रमाई, और अल्लाह मैं इस दिन के शर से पनाह मांगता हूँ आपकी। तो ये रोज़ सुबह, तो ये हम आज ये माहिदा कर लें, अल्लाह जो अगला साल जो आ रहा है तो इसको हम आपकी बंदगी में गुजारेंगे, और कोई चीज़ तय कर लें, उसको लिख लें अपने पास, कॉपी पर लिख लें, मोबाइल में नोट्स पर लिख लें कि रोज़ाना मैं एक पाव पारा तिलावत करूँगा, मसलन थोड़ा लिखें, ज़्यादा ना लिखें, इतना लिखें जो बस सहूलत आप पूरा कर सकें। लोग समझते हैं कि एक दफ़ा बड़ी ज़ोर से इबादत कर देना ये बड़ा कमाल होता है, ये एक दफ़ा जज्बा होता है कि जनाब मैं तो आज रोज़ के 10 नफल पढ़ूंगा, 6 पारे करूंगा, रोज़ मैं 1 लाख रुपये सदका करूंगा, वो नहीं कर सकता। आप वो लिखें जो आप कर सकें, ये बड़ी अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, अल्लाह करे लिख लें इसको कि भाई आप, मैं इतनी तिलावत पाव पारा बस, चलो जो नहीं करता पाव पारा, जो पाव करता है वो आधा पारा, जो आधा पारा करता है वो 1 पारा, मैं इतनी तिलावत रोज़ाना करूँगा। अब रोज़ाना ना हुई तो चलो 5 दिन हो गई, हो तो जाएगी ना भाई, मैं रोज़ाना 5 मिनट बैठ के जिक्र करूँगा मगरिब के बाद, 5 मिनट, 5 मिनट से शुरू कर लें, जो पहले 5 मिनट करते 10 मिनट करता है, भाई क्या करना है, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, और सुबहानअल्लाह बिहम्दी, सुबहानअल्लाह अलअज़ीम, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, ये एक एक तस्बीह पढ़ेंगे, आधी आधी तस्बीह पढ़ेंगे, 10-10 दफ़ा, चलो 10-10 दफ़ा मैं मगरिब के बाद रोज़ाना ये बैठ के पढ़ूंगा आराम से बैठ के, बस ये आपका जिक्र का मामला हो गया, ये मैं कर लूँगा, और ये कम से कम मैं महीने का इतना सदका करूँगा। एक तो ज़कात है, एक सदका है, अपने ऊपर लाजिम कर लें उसको नोट किया, मैं इतना सदका करूँगा कि कुछ ना कुछ 1000 रुपये, 2000 लाख, हर आदमी अपने हिसाब से, इसको अल्लाह ने जितना दिया है उस हिसाब से तय कर लेंगे, मैं इतना सदका तो ज़रूर करूँगा। और अगर हुकूक रह गए हैं कि रिश्तेदारों के हुकूक पूरे नहीं हुए, सिला रहमी का इतना बड़ा वाजिब, तो अल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों से सलूक अच्छा करूँगा, मेरे मामू नाराज़ हैं उनको मनाऊँगा जाके, हैं वालदेन की खिदमत में अल्लाह मेरी कोताही रह गई, आपने इतनी बड़ी नेमत दी है, मेरी जन्नत है तो मैं कमी रह गई, अब मैं वालदेन की खिदमत करूँगा, रोज़ाना इतनी देर आधा घंटा बैठूँगा, पाँव दबाऊँगा कि काम करूँगा। बीवी से अगर ताल्लुक़ सही नहीं रहा, जुल्म करते रहे, डांटते रहे, तंग करते रहे, हक पूरे नहीं करता, तो मैं अब सही करूँगा। बच्चों को वक्त नहीं दे सके तो आज अज़म करके लिख लें कि मैं अपने बच्चों को रोज़ 15 मिनट भी आप लिख लें ना, 15 मिनट बहुत बहुत होता है, अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चों को देना, क्वालिटी टाइम मैं दूंगा उनको, कोई नसीहत की बात, कोई तरबियत की बात, कोई उनकी बातें सुनना कि मैं अपने बच्चों को हक दूँगा, ये अल्लाह ताला ने मुझे अमानत दी है, इसकी तरबियत का मेरे से क़यामत में पूछा जाएगा, अगर मेरी ख़राब तरबियत या नाकिस तरबियत की वजह से ये बच्चा ख़राब होता है तो क़यामत में मेरे से सवाल होगा, ये जहन्नम बन जाएगा मेरे लिए, तो भाई मैं नहीं देता इसको, मैं अपना पूरा करूँ। और अगर मैं किसी गुनाह में मुब्तला था, मसलन एक बड़ा आम गुनाह है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, बदनज़री का,
सड़कों पर भी बंद नजरी, मोबाइल जो डिवाइसेस आए हुए हैं तो इसमें भी तय कर लें, अल्लाह ताला जी आप मुझे तौफीक दें, अल्लाह आप मेरी मदद करें, मैं इस गुनाह को छोड़ दूँ, मैं गंदी चीज़ें ना देखूँ, उसका कोई ज़रिया सोच लें कि मैं क्या करूँगा, लॉक लगाएँगे, बंद करेंगे, कुछ अर्सा स्मार्टफोन नहीं रखेंगे, कुछ भी कर लें कि अल्लाह जी मैं इसको छोड़ूंगा। और ये तय कर लें भाई अगर मैंने किसी का हक मारा हुआ है, ख़ास तौर पे माली लेन देन है, तो ये मैं उसको अदा करूंगा, फ़लाँ को नहीं दिया, फ़लाँ को नहीं रह गया करूँगा। कोई नाराज़ बैठा है तो उसे माफ़ कराऊंगा, क्योंकि अगर 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से बात करना, बात बंद करना मना है, आपने फरमाया, वैसे 3 दिन भी नहीं करनी, लेकिन चलो एक शरीयत ने तबीयत को देखा है कि जब किसी से रंजिश हो जाती है तो तबन इंसान 1-2 दिन 3 दिन चलो बिल्कुल बात कर ही नहीं सकता, जो 3 दिन आपने फरमाया कर लो, आपने फरमाया उसके बाद ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलाथ, 3 दिन से ज़्यादा कोई मुसलमान अपने भाई को छोड़ नहीं सकता, यानी उससे नाराज़गी में बात नहीं बंद कर सकता, उसको मना लें कर लेंगे अपना। अपने माली मामलात को दुरुस्त करें, अगर आप अपना कारोबार है और आपका जॉब चल रही है तो वो किसी आलिम के सामने पेश करें, किसी मुफ्ती के सामने कि जी मेरा कारोबार ये है और या मेरी जॉब ये है, इसमें कोई नाजायज़ काम तो नहीं हो रहा, जहाँ ज़रा सा भी खटक हो आपको शक हो कि कोई नाजायज़ काम तो नहीं है, अगर वो कहीं नाजायज़ काम है तो भाई उसको छोड़ने की कोशिश करें। अगर वो ऐसा है कि फ़ौरन नहीं छूट सकता, मसलन किसी ने बैंक से इंटरेस्ट पे पैसा लिया हुआ है बहुत ज़्यादा, अब उसको कम अज़ कम ये एहसास हो जाए कि जनाब ये हराम है, ये काम तो गलत किया हुआ मैंने, अब उसको छोड़ना कैसे। अब जाहिर है अगर किसी ने करोड़ रुपए लिए, वो बोलते हैं मैं 1 दिन में नहीं लौटा सकता, तो उसको मुफ्ती साहब बताएंगे कि भाई तुम अब आहिस्ता आहिस्ता लौटाना शुरू करो, पहले तो आज नियत कर लो, तौबा कर लो, और उसके बाद नियत कर लो कि जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता लौटाना है। कोई आदमी कन्वेंशनल बैंक में ऐसी जॉब करता है जहाँ उसको सूद का हिसाब किताब करना पड़ता है या सूद में इन्वॉल्व होना पड़ता है, सूद की लेन देन करनी पड़ती है, तो भाई वो अपनी सोच ले कि यार ये तो ख़राब मामला है, और वो भी मुफ्ती साहब के पास चला जाए, वो बोलेंगे भाई आप कोशिश करो दूसरी जॉब ढूंढो, ज़्यादा मेहनत ऐसे ढूंढो जैसे बेरोज़गार आदमी ढूंढता है, जब मिल जाए तो उसको छोड़ दो, फिर जो आपने कमाई की उसको आहिस्ता आहिस्ता हिसाब लगाओ, उसको सदका करो। ये वो चीज़ें मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों कि जो दीनदारी कहलाती है। दीनदारी हम समझते हैं दीनदारी का मतलब सिर्फ टोपी पहन लेना, कुर्ता पहन लेना, जी नफल पढ़ लेना, नहीं, ये दीनदारी है अज़ीम गुनाहों को छोड़ना। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन, जो बड़े बड़े गुनाह हैं इन गुनाहों को छोड़ने का अहतमाम करना, इसके बग़ैर कोई आदमी नेक नहीं बन सकता। और ये बड़े गुनाह और कबीरा गुनाह जब तक ज़िंदगी में हो तो इबादत का बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होता, नफली इबादत का। लोग नफली सदक़े भी कर रहे हैं, नफली उम्रे भी हो रहे हैं, नफली हज भी हो रहे हैं, नफली ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब तक गुनाह ज़िंदगी से लगे हैं तो ये ऐसा ही है कि आपने थोड़ा सा एयर कंडीशन चला लिया लेकिन गाड़ी की खिड़कियाँ खुली हुई हैं तो सारा हवा आपकी बाहर जा रही है, इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया कि मुत्तकी बनने का नुस्खा ये है, वली बनने का, कि तुम गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को छोड़ दो, तुम बहुत बड़े वली बन जाओगे। वली बनने के लिए ज़रूरी नहीं है सर पे सींग निकले, वो आदमी हवा में उड़ने लग जाए और दरिया पे मुसल्ला बिछा के पानी पे पानी पढ़ वो नमाज़ पढ़ ले, ये होता है वली। गुनाहों को और हराम को आदमी छोड़ दे, बहुत ज़्यादा नफली इबादतें ना भी करे तो अल्लाह ताला ये तौबा कबूल फरमा लेगा और ज़िंदगी में दीनदारी की बरकत आने लगी। ये और बात है कि जब अल्लाह की मोहब्बत और इश्क आता है ना तो फिर वह मजबूर करता है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में मज़ीद कुछ करे, फिर वो मजबूर करता है कि सजदे को लंबा करे, वो मजबूर करता है कि अल्लाह की याद ज़्यादा हो, और अगर याद में 10 मिनट भी गफलत हो जाए तो अपने आप को मलामत करता है कि इतना वक्त अल्लाह की याद के बगैर गुजर गया, कोई ज़िक्र नहीं हुआ ज़बान से, गलत बात हो। वो तो मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत पैदा करनी है, जब मोहब्बत हो जाती है तो वो आदाब इश्क जो है वो खुद ही इंसान सीख जाता है, फिर वो सिखाने ज़्यादा पड़ते नहीं हैं। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ये फैज़ाने पिदर था या ये मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फरजंदी, कि इस्माईल को जब वो सिखा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने, तो इस्माईल बच्चा है वो फिर भी कह रहे हैं अल्लाह ने जो कहा है कर दें आप, कुर्बान मुझे करना है तो कर दें। तो ये आदाब और यानी वो फ़िक्र और वो एहसास बेदार कर दिया।
हमारे हज़रत मौलाना शफी थानवी साहब फरमाते हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह का ताल्लुक़ है, ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे उस ज़माने में तो जो स्टीम इंजन चलते थे ना, तो स्टीम होती थी, उसमें कोयला होता था। जैसे इंजन में स्टीम लगा दो, अब इंजन में एक दफ़ा स्टीम लगा दी, वो इंजन खुद ही भागेगा वो। और अगर आपने स्टीम नहीं डाली तो आप धक्का लगाते रहें, तो धक्का लगा के रेलगाड़ी को आप कहाँ कितना ज़ोर लगा भी लिया, कहाँ तक ले जाएंगे आप। तो ये इंजन और ये स्टीम जो है, ये अल्लाह की मोहब्बत है, और इस अल्लाह की मोहब्बत के असबाब हैं। बहुत सारे असबाब ऐसे हैं जो इंसान को अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा करते हैं। उसमें पहला सबब तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये जो गुनाहों की खिड़की है, इसको बंद करना। अच्छा, गुनाहों की खिड़की बंद करने में दो बातें हैं। पहली बात, ये पता तो हो ये गुनाह है, इल्म तो हो ना। अगर ये इल्म ही नहीं है, गुनाह है, इंसान किए जा रहा है, साथ में तस्बीह भी चल रही है, सदके भी चल रहे हैं, उसको पता ही नहीं था ये गुनाह है, फिक्र ही नहीं गई, तवज्जो ही नहीं गई उस तरफ कभी, मैं गुनाह कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, अल्लाह बचाए, कारोबार में धोखा कर रहे होते हैं, दो नंबरी कर रहे होते हैं, एक नंबर कह के दो नंबर क्वालिटी भेज रहे होते हैं, साथ में वो हाजी साहब भी होते हैं, सदका भी चल रहा होता है। अब क्या होता है, एहसास नहीं हुआ, फिक्र नहीं हुई कि कितना बड़ा गुनाह है। शैतान ने तरह तरह के वसवसे, तरह तरह की चीज़ें दिल में बिठा दी हैं कि पाकिस्तान है भाई, चलता है, यहाँ तो सारा ऐसे होता है, हुकूमत हमें लूटती है तो हम लोगों को लूटेंगे, और क्या करें भाई, कोई हमारी चप्पल ले आता है हम उसकी ले आएंगे, और क्या करें, तरह तरह के बहाने बन जाते हैं। ये बात समझ में आ जाए कि ये जो किसी का हक मारना है, ये इतना बड़ा हराम है कि ये माफ़ नहीं होना क़यामत में। अल्लाह का हक रहेगा, अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमा सकते हैं, नमाजें रहेगी, माफ़ हो सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान का हक मार दिया है, और मसला ये है कि अगर आपने किसी को दो नंबर माल दिया है, तो ये दो नंबर और एक नंबर माल का जो फ़र्क है, ये आपके लिए हराम है। और आपने उसको कहा है ये फलां ब्रांड है, और वो ब्रांड मिलता है 1000 रुपये का, और आपने 500 रुपये वाला दिया, तो ये 500 रुपये बीच के हराम है, जायज़ नहीं। अब ये हराम अपने पेट में भी जा रहा है, बच्चों के पेट में भी जा रहा है, तो ये तो यसलून सईरा, दुनिया में आ गया, आखिरत में फिर और ख़तरनाक है। तो इसकी फ़िक्र हो जाए कि भाई पता लग, जैसे मैंने शुरू में रस किया, अपने कारोबार को, अपने मामलात को किसी समझदार आलिम या मुफ्ती साहब के पास पेश करना। और अब तो इतना आसान हो गया है कि हर एक के पास एक्सेस है, हमारे जो दारुल्इफ्तात हैं उन्होंने ईमेल भी है, फ़ोन भी है, मुफ्तियाने कराम भी काफ़ी हैं, उनके नंबर भी हैं, व्हाट्सएप पे मुफ्त में जवाब दे देते हैं। अब कोई उज़र नहीं रह गया कि जनाब मुझे पता नहीं है, अदम इल्म अब उज़र नहीं है। और अदम इल्म ना जानना कभी भी उज़र नहीं होता कि मुझे तो पता नहीं था, हम अल्लाह को कह देंगे अल्लाह हमें पता ही क्यों नहीं था, हम तो नमाज़ पढ़ते थे, आते थे। आपको अगर ट्रैफिक पुलिस रोक ले, आप सिग्नल तोड़ दें, या आपने सीट बेल्ट ना लगाई हो, और वो बोले कि जनाब चलान बोलते, मुझे तो पता ही नहीं था भाई सीट बेल्ट का कानून बन गया, भाई पता नहीं था आप, ये तो आपका मसला है, आप जब गाड़ी में बैठे थे आपको पता होना चाहिए था, सरकार का मसला तो नहीं है। तो शरीयत में भी ना जानना ये कोई उज़र नहीं होता, बल्कि ये दूसरा गुनाह हो जाता है। एक गुनाह तो ये कि आपके ज़िम्मे लाजिम था कि आपकी ज़िंदगी से मुतालिक जितने अहम मसाइल हैं उनको जाना जाए, आपने जाना भी नहीं, और उल्टा उज़र लंग पेश कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये इस चीज़ों का इल्म, और ये तफसीली इल्म है। हमारी जो फ़िक़ा की किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें अगर जो हमारी से बड़ी हिदायत है किताब, उसके 4 जिल्दें हैं, 4 वॉल्यूम्स हैं, तो इबादत जो है उसकी 1 वॉल्यूम में आ गई है पूरी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये पूरा आ गया। अब जो बाकी 3 जिल्दें हैं पूरी फ़िक़े इस्लामी, जिसका मैं तारुफ 3-4 हफ्ते से हमारा चल रहा है, इस्लामी शरीयत, कुरान और हदीस की रोशनी में जो मसाइल हैं, वो सारा मामलात के मसाइल हैं, निकाह, तलाक, इद्दत, हुकूक़, निकाह के नतीजे में पैदा होने वाले सारे हुकूक़, उनकी अदायगी, फिर मामलात, ख़रीदो फरोख, ताजिर, बेचना, ख़रीदना, किराए पे लेना, किराए पे देना, और किसी का मुलाजिम बनना या अपने पास मुलाजिम रखना, किसी को रहन देना, मोर्गेज करना, रहन में चीज़ लेना, किसी को गारंटी देना, गारंटी में लेना, एजेंसी देना, एजेंसी में लेना, सारे यही मसाइल भरे पड़े। इसकी वजह यह है कि शरीयत की इसमें अहमियत इतनी है कि भाई ये मसाइल बड़े अहम हैं। अल्लाह ताला ने इसके लिए उसूली बात जो कुरान मजीद में फरमा दी वो ये है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों अपने माल आपस में बातिल तरीके से नहीं खाओ। बातिल का मतलब गैर शरी तरीके से, किसी का हक गसब किया, मारा, या गैर शरीयत के, शरीयत ने जो चीज़ मना की है उससे लिया। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, हाँ, माल किसी का लेना जायज़ किस तरह है कि तिजारत हो और रजामंदी से हो, म्यूचुअल कंसेंट जिसको कहते हैं,
रजामंदी हो एक दूसरे की, और वो काम शरी लिहाज से भी ठीक हो। बाज़ लोग सूद लेते देते हैं, हम कहते हैं भाई हराम है, कहते हराम की क्या बात है, मैं भी राज़ी वो भी राज़ी, मैं भी राज़ी वो भी राज़ी, तो देने वाला भी राज़ी है मैं भी राज़ी हूँ, इंटरेस्ट रेट भी पता है, इसमें नाजायज़ क्या बात होगी। तो फिर तो जना भी रजा जायज़ हो जाएगा, क्योंकि लड़का भी राज़ी लड़की भी राज़ी, जायज़ हो गया। तो सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि दोनों राज़ी हों, बल्कि ये देखना चाहिए कि देखा जाएगा कि शरीयत ने उस चीज़ को हलाल करार दिया या हराम करार दिया, और शरीयत ने जिस मामले को हराम करार दिया वो हमारी मसलहत में है, उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है, वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। शरीयत ने अगर कहा है कि सूद हराम है, तो उसकी वजह यह है कि सूद का नुकसान माशरे पर ऐसा होगा कि पूरा माशरा सफ़र करेगा। शरीयत ने अगर कहा है कि जुआ हराम है, लॉटरी गैम्बलिंग हराम है, तो उसकी वजह यह है कि उसका नतीजा माशरे पर वो निकलेगा कि पूरा माशरा तबाह बर्बाद होगा। एक दफ़ा तो बड़ा अच्छा बबल आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन पूरा माशरा फिर रिसेशन में आएगा, बर्बाद होगा, और गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो जाएगा। लिहाजा ये बात हम कर चुके हैं कि इस्लाम के जितने कवानीन हैं उनकी उनका जो मदार है वो अदल और इंसाफ पर है। तो ये तो बात थोड़ी सी हो गई कि आज नया साल है, तो नए साल में हम अपना अल्लाह ताला से तजदीद अहद वफा कर लें, दोबारा से रिफ़्रेश कर लें अल्लाह से जो हमारा मुआहदा है, जो हमने आलम अरवा में किया था। अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा था बला, अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारा रब नहीं, हमने कहा था हाँ। तो हम पैदाइश से भी पहले अल्लाह से मुआहदा करके आए हुए हैं, उस मुआहदे को तय करें और कुछ सॉलिड चीज़ें हम लिख लें अपने पास कि इस नए साल में हम इबादात में ये इजाफा करेंगे, जो लोगों के हुकूक तलफ किए हैं उसको ये वापस करेंगे, किसी का लेना देना है ये करेंगे, कोई नाराज़ बैठा है उसको पूरा करेंगे, उसको मनाएंगे, और माँ बाप या किसी की खिदमत में कोताही हुई है अल्लाह वो पूरा करेंगे, और सदका इतना करेंगे, कुछ ना कुछ अपने पास लिख लें, तिलावत का रोज़ाना का मामूल, और उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये जो वक्त है ना, यानी नया साल आ गया, तो वक्त कम हो गया या ज़्यादा हो गया? कम हो गया। अल्लाह ने हमें हर एक को एक मोहलत दी है, जो पहले ज़माने में टाइम पीस होता था ना, जिसमें नमक डाल देते थे और नमक नीचे नीचे गिरता था, तो वो जब एक तरफ जाता था हम कहते थे एक घंटा हो गया, बस उसको वापस कर देते। तो हम में से हर आदमी का एक टाइम पीस अल्लाह ने दिया हुआ है, आर क्लॉक है हमारे पास, और हमारा नमक नीचे गिर रहा है, और ये हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन अंदाज़ा है। यानी अगर आप पाकिस्तान में देख लें कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो पाकिस्तान में तकरीबन ये 65 है एवरेज जो एज है। बाज़ मुल्कों में जो बड़े अच्छे अच्छे मुल्क हैं वहाँ 79-80 तक चली जाती है, यहाँ पर 65 है। तो अगर हम ये भी देख लें कि चलो वैसे तो पता नहीं कि कल मौत आ जाए, क्या पता, तैयार तो ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर सुबह करो तो ये इंतज़ार ना करो कि मैं रात भी करूँगा, यानी ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए, और रात करो तो ये इंतज़ार ना करो कि मैंने सुबह कर दी, यानी अपने हुकूक इतने साफ रखो, अपने मामलात इतने ट्रांसपेरेंट रखो कि अगर अभी चले जाओ तो ये हसरत ना हो कि मैंने तो फलां का लेना था, फलां देना था, ये इबादत और कर लेता, फलां काम और कर लेता, फलां गुनाह को छोड़ देता, अभी तैयार बैठे हो अल्लाह के पास जाने के लिए। तो हम सब के लिए नया साल ताज़ियाना है कि हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, मुझ समेत पहले मैं देखूं कि क्या मैं अल्लाह के पास जाने को तैयार हूँ। मैं अगर अपना मुहासबा करूँ तो झुरझुरी आ जाएगी मुझे, तो कि मैं तो अब अंदर क्या कुछ गुनाह लेके भरा हुआ हूँ अपने अंदर, और मैं तो तैयार नहीं हूँ अल्लाह के पास जाने को जिस तरह जाना चाहिए। ना हुआ बहुत लंबे नफल, ना हुए बहुत लंबी तिलावतें, लेकिन जो बुनियादी हुकूक हैं उसमें क्या मैं अल्लाह के पास जाने को तैयार हूँ? तो ये मोहलत हमारी कम हो रही है, हो रही है उम्र रफ्ता, हो रही है उम्र रफ्ता धीरे, हो रही है उम्र रफ्ता दम धीरे धीरे कम, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता दम बदम कम हो रही है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, ले एक घड़ी उम्र तेरी और घटा दी। तो घट गई है मोहलत, कम हो गई है। तो हमें जो टारगेट्स मिले थे वो टारगेट्स पूरे करने का वक्त तो कम हो गया, हमारे पास रह नहीं गया। तो लिहाजा भाई ये फ़िक्र हो जाए अपने वक्त की कदर, और ये वक्त की कदर ऐसी चीज़ है कि जो शरीयत में भी है, और दुनिया में जो भी कामयाब आदमी है वो आपको कहेगा आपको अगर ज़िंदगी कामयाब बनानी है तो आपको अपने वक्त की कदर करनी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा वक्त का मुहाफिज़ कौन होगा? मैं आपको अर्ज़ करता रहता हूँ कि
हम जो अपना कमिटमेंट ऑफ द ईयर लिखें तो उसमें अपने वक्त को लिखें कि मैंने अपने वक्त को तकसीम कैसे करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त को जो तकसीम किया था वो तीन तरह किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औकात तीन थे, तो चुनाचे आपका एक वक्त तो वो था जो अल्लाह के लिए था, इबादत के लिए, यानी उसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ज़िक्र, तिलावत, ये अल्लाह के लिए। दूसरा जो था वो लोगों के लिए था, यानी और लोगों के लिए भी जो था आपका वो दीन ही था, क्योंकि आपने जो लोगों को टाइम देना है, नमाज़ पढ़ानी है, ज़िक्र कराना है, आपने बयान करना है, आपने नसीहत करनी है, आपने तालीम देनी है, आपने लोगों के काम करने हैं, आपने लोगों की हाजतें पूरी करनी हैं, आपने लोगों का भला करना है जाके। कोई एक बूढ़ी औरत भी अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ लेती है कि भाई मुझे फ़लाँ काम करना है, अल्लाह के नबी आदम बोले ठीक, उसका चले जाते, मेरा ये काम है, हर एक का काम पूरा कराते जाकर। और तीसरा वक्त जो था वो आपका अपनी ज़ात की राहत के लिए था। तो तीन वक्त में तकसीम किया, यानी आठ 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 घंटे आप समझ लें। फिर जो आपका अपनी ज़ात के लिए वक्त था वो भी आधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दे दिया था, कभी वो भी आपने उम्मत के लिए कुर्बान कर दिया। अगर हम ये तीन भी कर लें कि अपनी राहत के लिए भी अच्छा वक्त चाहिए भाई, नींद के लिए और अपने आराम के लिए कुछ फारिग वक्त भी, नंबर दो अल्लाह के लिए, तो अल्लाह के लिए जो वक्त है उसको भी तय कर लें, थोड़ा बढ़ा लें उसको, और नंबर तीन लोगों के लिए। फिर लोगों में आपके बीवी बच्चे आ जाते हैं, वालदैन आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, अहले हुकूक जिनसे आपका मिलना जुलना है उनसे, क्या इस काम को और इस टाइम को प्रोडक्टिव बना लें। अभी अगर हम सब गौर करेंगे और लिखेंगे, सोचेंगे बैठकर अपने एक दिन का मामूल, तो हमें लगेगा कि हम दिन में बहुत कम प्रोडक्टिव हैं, आठ घंटे, छः घंटे, पाँच घंटे हम प्रोडक्टिव हैं, बाकी टाइम हमारा फजूल गुजर रहा है। एक सर्वे हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें लोग कितना काम करते हैं, और अरब के बाद ममालिक का हुआ था इसमें कितना काम करते हैं, तो वहाँ आया था कि वहाँ आदमी पाँच घंटे, छः घंटे एवरेज वो मुअस्सर रहता है, यानी वाकई काम कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है। अरबों का आया था कि जनाब इसमें डेढ़ घंटा आदमी काम करता है, एक औसत आदमी दिन में कितनी देर काम करता है, डेढ़ घंटा, बाकी टाइम क्या कर रहा है, बैठा तो है दफ्तर में, चाय पी रहा है, कहवा पी रहा है, गप मार रहा है, अखबार पढ़ रहा है, सियासत पे बातें कर रहा है, ये सारा वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। और इस वक्त का अल्लाह हमसे पूछेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें दुनिया दी और जो वक्त दिया इसको मोहलत कहते हैं, मोहलत। अल्लाह जब कुफार क़यामत में जाएंगे तो वो अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमें दुनिया में लौटाएं, दोबारा मोहलत और दें, यानी वक्त और दें, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क़ील अर्जिउ वराअकुम, जाओ वापस, जाओ वक्त लेके आ जाओ, वक्त तो आखिरत में नहीं मिलेगा, अब दुनिया जाओ, तो दुनिया तो जा ही नहीं सकता कोई आखिरत में आने के बाद। तो अल्लाह कह रहे हैं फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, काफरों को मोहलत दो, तो काफरों की मोहलत उनको बुराई में बढ़ा रही है, उनके गुनाहों में बढ़ा रही है, तो मोमिन की मोहलत जो है उसको नेकी में बढ़ानी चाहिए। तो अभी अपने वक्त की कदर करना सीखें। और बास चीज़ें होती हैं जो टाइम के लीक्स होते हैं, जैसे आपने कोई मशकीज़े में पानी भर लिया है, उसमें लीक लगे हुए हैं, तो वो निकलते निकलते घर जाके ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। बास चीज़ें हमारे टाइम को ज़ाया कर रही होती हैं, अगर आप उसको दिन में कलेक्ट करेंगे, 10 मिनट इधर ज़ाया हो रहे हैं, 20 मिनट इधर ज़ाया हो रहे हैं, 5 मिनट इधर, 15 मिनट इधर ज़ाया हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा वक्त ज़ाया हो रहा है, इसको ज़ाया होने से बचाएं। हातिम रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े मुफस्सिर थे जिन्होंने कुरान की बड़ी तफसीर लिखी, तबा ताबी थे, उनको जब वो चल कहीं जा रहे होते उनको कोई कहता था अमसिक, रुक जाओ, तो वो कहते थे कफिश शम्स, सूरज को रोक दो, मैं रुक जाता हूँ, यानी सूरज तो चल रहा है ना, टाइम तो चल रहा है, मैं रुक के तुम्हारा साथ टाइम ज़ाया करूँ, कोई काम की बात है तो करो, टाइम क्यों ज़ाया करूँ। तो इसकी भी कोशिश हो जाए कि हमारा जो वक्त गुजर रहा है वो किसी काम में गुजरे, दीन या दुनिया के काम में, और मोमिन की दुनिया भी दीन है, बेकार ना गुजरे, उसमें अपना पूरा स्केड्यूल बनाएं, सीरियसली बैठकर रोज़ाना का, हफ्ते का और महीने का, मैं क्या काम उसमें, जैसे मैंने अर्ज़ किया सहूलत के साथ बनाएं, थोड़ा सा अमल रखें, अपनी जिस्म की राहत को भी वक्त दें, अपनी रिफ़्रेशमेंट को भी वक्त दें, अपनी तफरी को भी वक्त दें, लेकिन फिर उसकी पाबंदी करने की कोशिश करें। तो जब आपका वक्त इतना अच्छा गुजरेगा तो आपकी औलाद और आगे जो लोग आपकी तरबियत में हैं तो वो देखेंगे कि आप अपने वक्त की इतनी हिफाजत करते हैं, टाइम दिया है तो उसको पूरा करते हैं। 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होता है, 10 बजे का मतलब 10:45 नहीं होता, तो लोग भी आपके वक्त की हिफाजत करेंगे। और हम पीछे क्यों हैं, हमारी कौम या जो दुनिया में पीछे कौम है, हम वक्त की कदर नहीं करते, और जो दुनिया में जिस कौम को अल्लाह ने तरक्की दी वो वक्त की कदर करता है। सहाबा इकराम वक्त की कदर करते थे, अल्लाह के नबी वक्त की कदर करते थे, हर वक्त कोई ना कोई नेक काम हो रहा है, हर वक्त अच्छा काम हो रहा है,
मुफीद काम हो रहा है, तो उस काम से बढ़ते बढ़ते अगर आप उसको जमा करेंगे, अगर दिन में हमारा 2 घंटे ज़ाया हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा फरमाएं हफ्ते में कितना ज़ाया हो रहा है और महीने में कितना ज़ाया हो रहा है, साल में कितना ज़ाया हो रहा है, तो इसकी भी कदर कर दें। तो अल्लाह ताला ये साल हमारा तो तौबा से हम शुरू करें कि भी पिछले साल सारी कोताहियों पर, गुनाहों पर तौबा, और आइंदा का अज़म, और उस अज़म पर अल्लाह सुबहानहु व ताला से दुआ कि अल्लाह मैंने अज़म तो कर लिया, इस नए साल को मैं खूबसूरत गुजारूंगा, प्रोडक्टिव गुजारूंगा, नेकियों में गुजारूंगा, कि अल्लाह शैतान भी लगा हुआ है, नफ्स भी लगा हुआ है, तो अल्लाह आप ही हैं, आप पूरा कर दें, दुआएं आपसे कर सकते हैं और क्या करें। हज़रत मौशफ़ी थानवी साहब एक मरतबा बयान फरमाते हुए कह रहे थे भी अल्लाह से झोली फैला के मांगो, तो ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजूब जो हज़रत के अजल खुलफा में थे और डिप्टी कलेक्टर थे, फिर बाद में हज़रत के मुरीद बन गए, तो शायर भी बड़े ज़बरदस्त बने और बड़े अल्लाह वाले, तो हज़रत कह रहे थे झोली फैला के अल्लाह से मांगा करो। अभी सुनने वाली बात है, तो ख्वाजा साहब ने सवाल किया हज़रत अगर झोली ना हो तो कैसे मांगे? आप कह रहे हो झोली फैला के अल्लाह से मांगा करो, झोली ना हो किसी के पास, इन झोली ना हो का मतलब ये है कि मांगने का तरीका ही ना आए, दुआ ही नहीं आती, 2 मिनट दुआ करते दुआ खत्म हो जाती। तो हज़रत ने फरमाया झोली भी उन्हीं से मांगो, अल्लाह को ये कहो अल्लाह मुझे आता ही नहीं है मांगना, ये तो मेरी दुआ ही ख़त्म हो जाती है, मुझे पता ही नहीं आ रहा, अल्लाह जो कोताही है, जो अहलियत है, मेरे अंदर ताकत ही नहीं नफ्स की मुखालफत कर सकूँ, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है शैतान की मुखालफत करूँ, अल्लाह ये अहलियत भी आप पैदा फरमा दें, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने देनी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैल बलाग वआखिर दुआवा अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to